आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं तनु पवार स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल तनु पवार 1-2-3-4 ब्लॉग्स में। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और आज के ब्लॉग की शुरुआत करीबन शाम के 4 बजे से हो रही है। आज मैं आपको एक न्यूज सुनाने वाली हूँ। जैसा कि आप टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही चुके होंगे कि क्या न्यूज है, वो क्या खुशखबरी है जो हम आपको सुनाना चाहते हैं। अच्छा बट मैं वो आपने मुझसे बिल्कुल भी नहीं सुनाऊंगी, वो सुनाऊंगी मैं अपने ससुर जी, जिनको कि मैं पापा जी बोलती हूँ, पापा जी के मुंह से। थोड़ी मर्यादा रखिए। तो चलो चलते हैं और पापा जी से पूछते हैं कि क्या खुशखबरी है और उनको कैसा लग रहा है। मैं कहाँ हूँ बहन? तेरी सासू माँ के घर में, गजनी की औलाद। चलो चलते हैं, आ जाइए आप भी। तो साया ससुर जी तो अभी ना वैसे काम कर रहे होंगे, मतलब पापा जी बोलती हूँ मैं, पर क्या बोलते ना पर मैं चाहती हूँ कि वो ही अपने मुंह से आपको खुशखबरी सुनाए। तो चलो चल लेते हैं, देखते हैं पापा जी क्या कर रहे हैं, बताते हैं आपको पापा जी क्या क्या काम कर रहे हैं। आ जाओ। तो पापा जी यहाँ पे लकड़ियाँ फाड़ रहे हैं और पापा जी से भी मिलाते हैं, आपको बात कराते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पापा जी हैं वो लकड़ियाँ फाड़ रहे हैं। सबसे पहले हम पापा जी से पूछेंगे, पापा जी क्या खुशखबरी है, आप ही अपने मुंह से हमारे दोस्तों को सुनाइए। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। बारी खुशखबरी तो ऐसी है बल कि हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है, मैं दादा बनने वाला हूँ। तो पापा जी ने आपको तो बता दिया कि क्या खुशखबरी है। अब पापा जी से ये भी पूछते हैं कि पापा जी आपको कैसा लग रहा है? वैसे तो मेरी बुआरी है, मेरे को तो मेरी बेटी जैसी है। तो बेटा मैं क्या बताऊं, बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, है हम प्रमोशन होने वाला है बल, है तो बड़ी अच्छा भी लग रहा है मुझको। और क्या बोलते हैं बल, तो तब ऐसे चल मैं लकड़ी फाड़ रहा हूँ, तब तू चल, तब बेटा तू अपना काम कर, ठीक है? देख रहे हो, एक्टिंग देख रहे हो? तो देख सकते हैं आप पापा जी कितने खुश हैं मेरे, है ना। तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। और चलो पापा जी आप लकड़ियाँ फाड़ो और मैं जरा अभी सासू जी से भी बात करके आती हूँ, मम्मी जी से ना, उनको भी, उनसे भी जानते हैं उनको कैसा लग रहा है। अच्छा ये बुआर, राम 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 राम, ये बार चपटी ब्लॉगर बार गरम लाइन गरम फुड़िए जन है बाबू के बथान तुम थे। ससुर बटी कोई पूछने बात होंगी यानी ओके कन, अगर हम जवाब नहीं दियो लने आम तो यू तुम्हें लुकन बुन ससुर तो बड़ी न करुच बुआर इन जवाब दिया ही डांट दिया ही तब अभी भी बेसरम भरपूर्ण जो राम 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 करम करम भुटगी ने भगवान ठाकुर जी यहाँ से बड़े मती उठे लेने में देखी ये भाई हो कल जो की जमन होगी एलियो जमन भी तो लेवल हो है जब बेटी बुहारी ससुरा चिटने समणी मामा ससुर है समणी इन आँख उठे की भी नहीं दिखती चाहिए इतरू पल्लू अब बढ़ेड़ भी नहीं बल ससुरा माँ और राज को ले बुआ रही राम 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 हे प्रभु मरभु हे मालिका ठाकुर जी। सर जी तो लकड़ियाँ फाड़ रहे हैं तो उनको तो लकड़ी फाड़ने देती हूँ मैं, हैं। और मैं तब तक ना पहले सासू जी से भी पूछ, देखते सासू जी क्या कर रही होंगी। तो सासू जी तो झाड़ू लगा रहे हैं, सासू जी से भी पूछते हैं मम्मी जी से। तो मम्मी जी आप भी सुना दो अपने मुंह से खुशखबरी की, खुशखबरी क्या है? नहीं सुधरेगा रे बाबा तू, नहीं सुधरेगा। अच्छा खुशखबरी ऐसी है, हम दादी बनने वाले हैं और हमारे घर में हमारा डुबली मुबली आने वाला है, बड़ी खुशी हो रही है हमको ना। तब और बारी की भुनक नहीं की भुनक तो और कैसा लग रहा है आपको? तो मुझे तो ऐसा लग रहा है मुझे बड़ी खुशी हो रही है ना, क्या बोलना बेटा, बहुत खुशी, ऐसे लग रहा है जैसे जैसे जीते जीते स्वर्ग पहुंच गए होंगे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। और क्यों बने?
चलो ठीक है, आप झाड़ू मारो और मैं तब तक जरा ब्लॉग बनाती हूँ आगे, ठीक है? आप करो काम, तब तक मैं जरा ब्लॉग बनाती हूँ, ठीक है ना? दिखाना चाहो पार्ट है इले टक लगे कि सुने आप लोग ब्लॉगर पार लाने जरूरत नहीं माँ जी, तो शर्म लाज रही रह गया पर क्यों कन शर्मा पान अबू नहीं पुड़ दू और मेरे नौ ने मार दिया हम थे मार दिया कच्च तब के कर लू है तो माँ को पान जो है से ऐसी बुनी पुड़ दू रमलाज रह गया आजकल बारी होने की है हमारा जमना माँ भूल दा चाहिए कि इन बातों तय की बोल क्या को सामने बुनी नीच और आजकल हेलो गाइस हेलो गाइस हेलो गाइस करेगा ना बवाल मचे बब्बा जब अरे बोल तची नहीं चे तब अरे तिड़े यार है बोल कोई बात भेजा ली तो कुछ ही मैं धार लू है मन है फैमिली बल है तुम लोग और फैमिली जा फैमिली भी ठीक चे पर बोल कोई बात भेजा ली तो तुम नार दिखनो को है माता माता हमारे पुल का बाल ना कंधा मीन पर अबू नीच बिल्कुल झाड़ू मारा पर तुम कुछ काम नहीं करनी बहुत बेदन बटी ना कि वो ना वीडियो बस वीडियो बनाना छे ना है अलण हो गया फलण हो गया कितना हो गया दिमाग पीते वाली माँ जी कांड लगे जमन पर कांड तो ससुर जी तो लकड़ियाँ फाड़ रहे हैं और सासू जी भी जरा झाड़ू लगा रहे हैं ना तो उनके पास इतना टाइम नहीं है और तो अब मेरे को पता है आप लोग मेरे मुंह से भी सुनना चाहते हो यही खुशखबरी तो जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना मेरे सासू जी के मुंह से भी और मेरे ससुर जी के मुंह से भी जो कि मेरे मम्मी पापा हैं मतलब तो मैं भी सुना देती हूँ अपने मुंह से यही खुशखबरी तो जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यही है खुशखबरी हमारे घर में आने वाला है एक छोटा सा नन्ना मेहमान बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो बार बार बोलो बार बार बोलो बार बार बोलो तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं क्योंकि जो हमारी धन्नो है धन्नो यानी कि जो कि हमारी गाय है वो पहली बार बनने वाली है माँ और अच्छा और उसका अब कुछ टाइम बाद डिलीवरी हो जाएगी तो मैं देख रही थी यूट्यूब में काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैंने सोचा क्या पता मेरी वीडियो भी एकदम से वायरल हो जाए और हम भी फेमस हो जाए और अगर तो लोग तो ऐसे बता रहे ना कि लड़का होगा कि लड़की होगी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट अब फलाना फलाना डिस्को फिस्को अब वो गाय है ना तो हम क्या ही बताते दोस्तों तो हमने सोचा इतना ही बहुत है क्या पता हमारी ये वीडियो चल जाए देख रहे हो एक्टिंग देख रहे हो तो अभी हमारे धन्नो जा रखी है वहाँ गाय चराने के लिए और काम तो आजकल की बटी बारी कर नहीं रही हैं प्रेगनेंसी में बल्कि काम नहीं करना है और हमारी गाड़ी तो ओ धार जाती है चरने के लिए और वहाँ से चर के भी आती है हैं वैसे बोल रहे बल हम नहीं करेंगे काम बल काम करके बल वो हो जाता है हैं हमेशा से बोल रही थी बल हमारे ज़माने में तो खूब काम करते थे बल कभी तो हम अपने धन्नो को उपज टकाने के लिए जाते हैं तभी तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाएगी और पर मैं तो ऐसे बोल रही थी ना खास हमारी बॉडी भी एक मन की होती तो मैं उसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लड़का है कि लड़की उसको उल्टी हो रही कि नहीं हो रही है और कौन सा मंथ चल रहा है बल और क्या क्या बोल रहे वो बल लेबर पेन स्टार्ट और डिलीवरी और अलाना फलाना पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं अगर होता वो तो मैं ऐसे भी दिखाती मेरे वीडियो में भी व्यूज आते और मैं भी फेमस हो जाती पर क्या करना है तब है पर चलो कोई बात नहीं तो कभी कुछ होगा तो फिर तब देख लेंगे तब बता लेंगे है ना और हमको भी वायरल कर देना मैंने इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में लोगों अब इसमें कई लोग तो उल्टे पुल्टे कमेंट भी करेंगे क्या पता हैं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में तभी मैं वीडियो बना रही हूँ तभी आप लोग नहीं करोगे सपोर्ट को मैं क्या करूँगी बगड़ो इसलिए सपोर्ट कर देना ठीक है ना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब और बहुत बहुत धन्यवाद